नमस्कार, आज की खबर चैनल में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम आपको हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरें बताएंगे, आज हम आपको हमारे खबरों के सिलसिले में आज की सुर्खियों में बताएंगे राम सेतु मानव निर्मित ब्रिज हकीकत है की खबर, क्या सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है की खबर, कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे रिलायंस जियो का आईपीओ जल्द आ सकता है की खबर, मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे फुकरे रिटर्न मूवी बॉक्स ऑफिस की खबर, और खेलकूद की खबरों में हम आपको बताएंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं राम सेतु मानव निर्मित ब्रिज हकीकत है की खबर। जब माता सीता को रावण अपहरण करके सोने की लंका में ले गया था, माता सीता जी को वापस पाने के लिए समुद्र सबसे बड़ी रुकावट था, लेकिन उस समय नल और नील दोनों वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर राम सेतु बनाया था। हमारा इतिहास इस बात का सदियों से पुष्टि करता आया है। बुधवार की रात 7 बजे साइंस चैनल ऑफ डिस्कवरी कम्युनिकेशन पर राम सेतु के बारे में बताया गया। हम आपको ये बताएं, 4N के साइंटिस्ट ने भी मान लिया है कि हजारों साल पहले मानव निर्मित राम सेतु बनाया गया था। भगवान श्री राम उस सेतु को पार करके रावण से युद्ध लड़ा था और रावण पर विजय प्राप्त करी थी। आप भी साइंस चैनल के ट्विटर अकाउंट पर जाकर यह वीडियो देख सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर, और अगली खबर आ रही है क्या सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है की खबर। हम आपको यह बताएं, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो सबसे कट्टर देश है उसका नाम है सऊदी अरब, और सऊदी अरब से अब खबर आ रही है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति अब सुधर रही है। क्यों सुधर रही है, कैसे सुधर रही है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पुराने रीति रिवाजों से बंधा हुआ देश क्या बदल रहा है। खबर आ रही है कि 35 साल से बंद सिनेमाघर खुल रहे हैं, महिलाओं को 2019 तक रोड पर गाड़ी चलाने की परमिशन मिल जाएगी। सऊदी अरब के राजकुमार 32 वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान ने 1 साल में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई, और कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं हमारी खबर रिलायंस जियो का आईपीओ जल्द आ सकता है की खबर। मुकेश अंबानी जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का आईपीओ जल्द ही ला सकते हैं। खबर आ रही है कि आईपीओ 2018 के अंत तक या जनवरी 2019 के शुरुआत में आ सकता है। रिलायंस जियो आईपीओ के जरिए पैसे जुटाना चाहती है। हम आपको ये बताएं, खबर आ रही है कि रिलायंस जियो में अब तक $3100 मिलियन का निवेश हुआ है। अब हम आपको बताते हैं मनोरंजन जगत की खबर के बारे में, और मनोरंजन जगत की खबर में जो इस समय चल रही है फुकरे रिटर्न मूवी बॉक्स ऑफिस की खबर। फुकरे रिटर्न मूवी ने कितनी कमाई करी है, इस बात के आंकड़े तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किए हैं। हम आपको बताते हैं कि तरण आदर्श के अनुसार फ्राइडे को फुकरे रिटर्न्स मूवी ने 8.10 करोड़ रुपए की कमाई करी है। तरण आदर्श के अनुसार सैटरडे को फुकरे रिटर्न मूवी ने 11.30 करोड़ रुपए की कमाई करी है। संडे को फुकरे रिटर्न मूवी ने 12.80 करोड़ रुपए की कमाई करी है। मंडे को फुकरे रिटर्न मूवी ने 5.10 करोड़ रुपए की कमाई करी है। फुकरे रिटर्न मूवी ने 4 दिनों में 37.30 करोड़ रुपए की कमाई करी है। हम आपको बताएं कि फुकरे रिटर्न मूवी की लाइफ टाइम कलेक्शन 36.50 करोड़ रुपए रही थी, लेकिन जो फुकरे रिटर्न मूवी है वो इससे भी ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर हमारी आ रही है खेल कूद के बारे में, और खेल कूद के बारे में हम आपको बताते हैं कि आज इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा ODI मैच खेला जाएगा। यह मैच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा। यह मैच सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।
तो यह है हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।